कोलकाता में रेप कांड के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से पंजाब में डॉक्टर्स का प्रदर्शन शुरू हुआ है। जालंधर और बरनाला के सिविल अस्पताल में आज डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान 3 घंटे तक अस्पताल में ओपीडी की सेवाओं को बंद रखा गया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है और यही वजह है कि उन्हें बार बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। शनिवार देर शाम सरकार की तरफ से डॉक्टर्स को मनाने के लिए आश्वासनों से भरा खत जारी किया गया था। सरकार से भरोसा मिलने के बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक वापस तो नहीं ली, लेकिन उन्हें 3 चरण में बांट दिया गया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा और नियमित रूप से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हमारी मांग जारी है। हमारी एसोसिएशन पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज ने 9 तारीख से आधे दिन की 3 दिन के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। उसकी मुख्य 4 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है सिक्योरिटी की, जो कि आजकल जो बढ़ते हुए वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, उसको लेकर है, ताकि सारे सरकारी डॉक्टर्स के जहां जहां पोस्टिंग है वहां पर उन सबको सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। ये इस तरह जी असं पिछले 2.5 सालों तो ये वाली गवर्नमेंट इस तो पहला इस तो पुरानी सरकारों के नाल भी ये मुद्दे चकते रहे हैं भी हस्पतालों के वर्किंग कंडीशन ने काम करने के जोड़े हालात ने बहुत खराब ने। डॉक्टर्स की गिनती है जी जिनी आबादी डॉक्टर चाहिए उस तो बहुत ज़्यादा घट है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट नहीं है। मार कटाई दे रोज़ आप अखबारों के पढ़ते हैं। पिछले जदों का कलकत्ते का इंसीडेंस होया जिहड़ा सारे नूं पता, उस तो बाद कल्ले पंजाब के सरकारी हस्पतालों के 13 FIR हुई ने जिथे डॉक्टर नाल या उत्थों के वर्किंग स्टाफ के नाल मार कटाई या माड़ी शब्दावली वरती गई है। पंजाब में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हालत अब ये हो गई है कि दिन में भी आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हम आपको जालंधर से आई लूट की ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 24 घंटे के भीतर 2 जगहों पर लुटेरों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। मौके से फरार भी हो गए। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाली ये तस्वीरें आप जरा ध्यान से देखिए। दिन और 2 वारदात पंजाब में बदमाशों के बुलंद हौसलों की ये 2 तस्वीरें हैं। पंजाब के जालंधर से जहां दिन दहाड़े बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंजाब में ये हालात तब हैं जब आए दिन मान सरकार पुलिस को अपग्रेड करके और बेहतर बनाने में जुटी हुई है। जालंधर में लूट की वारदात की पहली तस्वीर सेंट्रल टाउन एरिया से आई है, जहां 2 लोग धारदार हथियार की नोक पर एक ई रिक्शा चालक से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 नकाबपोश लोग ई रिक्शा चालक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पास के मकान से एक आदमी और एक छोटा बच्चा रिक्शा चालक की मदद के लिए आगे आते हैं। इस दौरान नीली टी शर्ट पहना हुआ शख्स हथियार दिखाकर उन्हें भगा धमका कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद दोनों बदमाश ई रिक्शा पर बैठकर वहाँ से चले आते हैं। एक ऑटो वाले ने बैठाया पीछे पीछे मेरे को, पीछे पीछे मेरे गाड़ी के था जो 2 बंदा बैठाया था, वो 2 बंदा मेरे वो गली के आगे लेके गए हैं, चाकू निकाल के मेरे गर्दन पे छुरी रख दिया, सारा पैसा मार मार के निकाल लिया था। इधर से लेके फिर जा रहे थे, मेरी बैटरी बेच लेती तब इसमें गाड़ी जब बहुत ज़बरदस्ती किया हूँ तब उसका पन्ना छोड़ के मैं छोड़ पाया, उसका चेहरा ही फोटी में आ रहा। महज 1200 रुपए के लिए लूट की वारदात को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उससे आम आदमी की सुरक्षा पर सवाल उठता है। वही दूसरी तस्वीर जालंधर के ग्रीन मॉडल टाउन एरिया की है, जहां बाइक सवार लुटेरे लूट की कोशिश में बाइक से एक लड़की को करीब 400 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी लड़की को कैसे बुरी तरह से बीच सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैं रोड से आ रही थी, फिर वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए थे, फिर वो वहीं पे रह गए। मैं अपने घर के अंदर जैसे बड़ी, 3 मुंडे बाइक से आए गए, मेरे को दीवार के साथ टकरा के फिर कहते सॉरी, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर वो जैसे मैं पीछे को भी मेरा फोन थे, मेरे को घसीटते हुए लेकर चले गए थे।
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने तेजी के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस दूसरे एंगल से भी सीसीटीवी फुटेज निकालने का प्रयास कर रही है। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बठिंडा पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वक्त के आरोप में कनाडा स्थित एक गैंगस्टर के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने उस समय पकड़ा है जब वो बिजनेसमैन से रंगदारी की रकम लेने के लिए मोगा से बठिंडा पहुंच गए थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 1 32 बोर का देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बठिंडे दे एक बिजनेसमैन नू फिरौती दी कॉल आई सी उन्होंने फोन पर फ्रॉम एन अननोन इंटरनेशनल नंबर, जिन्हों ने धमकी दित्तियां सीगियां उस बंदे नू और अपने आप नू जिहड़ा कॉलर सी उन्हें अपना नाम गोपी लाहौरिया दस के जिहड़ा साडा इस केस का विक्टिम है उहदे तो 50 लाख की फिरौती डिमांड की सी। और ड्यू टू ह्यूमन इंटैलीजेंस और टैक्निकल इन्वैसटीगेशन सानू अज सक्सैस मिली, जदों इस केस 'च असीं 4 मुलजमान नू गिरफ्तार किया। और अब बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हरियाणा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर वार्ता चल रही थी। सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन और चिंतन हुआ था। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडिया गठबंधन की एकजुटता राज्य के चुनावों में भी बरकरार रहेगी। राहुल और केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में मिलकर लड़ेंगे, जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आज शाम आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। आम आदमी पार्टी की लिस्ट में 11 नाम ऐसे उम्मीदवारों के भी हैं जो अब विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। आखिर राहुल और केजरीवाल की पार्टी में बात बन क्यों नहीं पाई, आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं। विदेश में राहुल हरियाणा में नया खेला। आप और कांग्रेस में नहीं होगा गठबंधन। हरियाणा में आपने उतार दिए उम्मीदवार। राहुल का ऑफर केजरीवाल को कबूल नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर कहां फंसा पेच। इंडिया गठबंधन में फूट का पहला सिग्नल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा में मिलकर लड़े। राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी एक साथ आई, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझ गया। अब सवाल यही है कि जब छोटे राज्य में इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला नहीं चला तो आने वाले दिनों में बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है, हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। मैं बड़ा स्पष्ट ये बात ही कह रहा हूँ कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपने अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कार्य कदम आगे बढ़ाते हैं। आखिर बात बनते बनते कैसे बिगड़ गई, तो इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा चुनाव की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर सहमति जताई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गठबंधन की इच्छा जाहिर की गई। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी
वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच कई राउंड की वार्ता हुई। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सीटों की डिमांड को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से करीब 10 सीटों की डिमांड रखी गई, जबकि कांग्रेस की तरफ से 3 से 5 सीटों का ऑफर दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सीटें मांगी गई उन सीटों को कांग्रेस देने को तैयार नहीं हुई। कई राउंड की बातचीत के बाद 5 सीटों तक बात पहुंची। कांग्रेस 5 सीटें देने को राजी हुई, लेकिन उन सीटों पर बीजेपी का होल्ड है, यानी गठबंधन के बावजूद जीत की गुंजाइश कम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप गठबंधन के खिलाफ है। अगर दिल्ली फैसला करना चाहे तो वो कर देंगे, और कांग्रेस के प्रांतीय यूनिट ने, हम सब ने जिससे राय ली गई, मुझसे भी राय ली गई, हमने बता दिया कि कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है, वो नजरिया प्रांत से बड़ा है, तो इसलिए उस नजरिए में वो क्या निर्णय लेंगे, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है, तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। बात नहीं बनी, यानी अब आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारेगी। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट में 11 नाम ऐसे उम्मीदवारों के हैं जहां पहले ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, मतलब कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों को उतार दिया। इस लिस्ट में कौन कौन सी सीट है आपको बताते हैं। उचान कलां, मेहम, बादशाहपुर, नारायणगढ़, समालखा, दावली, रोहतक, बहादुरगढ़, बादली, बेरी, महेंद्रगढ़, ये विधानसभा की सीटें हैं जहां पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो।